मुद्दे आपने कल कहे कि यहाँ पर किसान कौन है भैया, मुद्दा है इलेक्शन का, वो तो राष्ट्रवाद देशद्रोह का हो गया। आप देखिए, हम लोगों को क्या मुद्दा उठाना है वो बीजेपी नहीं तय करेगी। हम लोगों का जो मुद्दा है, खासतौर पे जो बिहार के लोगों का जो मुद्दा है, यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, रोजगार का है, विकास का है, बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे का है, बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों नहीं मिला, आप देखिएगा किसानों का है, तो ये सारे जो मुद्दे जो हैं, आरक्षण का है, संविधान बचाने का है, ये सारे मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का इस बार भरपूर समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, तभी तो ये मुद्दे पे नहीं बात कर रहे, उसलिए तो इधर उधर की बातें की जा रही है, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जनता को क्या जवाब देंगे, 15-15 लाख रुपए दिए कि नहीं दिए, 2 करोड़ रोजगार दिए कि नहीं दिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मेक इन इंडिया का क्या हुआ, गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ, बिहार के स्पेशल राज के दर्जे का क्या हुआ, बहुत ऐसे चीज़ें हैं, चाहे यहाँ केंद्र की राज्य की सरकार पूरी तरीके से विफल रही, जनता के इन लोगों ने खिलाफ में काम किया है, सिर्फ अपनी स्वार्थ की राजनीति की है, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनको बर्बाद करने का काम किया है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बढ़ा है, नीरव मोदी भाग जाते हैं, मेहुल चौकसी भाग जाते हैं, ललित मोदी भाग जाते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता, अगर हम उठा रहे तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, उसलिए इधर उधर की बातें की जा रही है। आप देखिए ना, हम तो साफ तौर पे कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि ये लोग जो हैं आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, इस पर क्यों नहीं बहस करते हैं ये लोग। SC ST Act ख़त्म कर दिया गया, 13 रोस्टर जो लाया गया वो पूरी तरीके से पिछड़ा विरोधी रहा है, तो इस तरह का जो काम किया जा रहा है ये जनता में भारी आक्रोश है और उसलिए इधर उधर की बातें की जा रही है, तो इस पे वो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं है। एक सवाल ये है कि जो जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी के साथ वायनाड चले गए हैं, ये कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल अमेठी छोड़ना चाहते हैं और अपने सीट बचाने के लिए वो वायनाड चले गए। बड़ी अच्छी बात है, 2014 में यही सवाल आप मोदी जी से पूछते कि दो जगह से उन्होंने क्यों चुनाव लड़ा था, क्यों लड़ा था भाई, किसका डर था, कोई जवाब तो दे। मतलब हर सवाल जो है विपक्ष के लिए खड़ा है, ये सत्ता के लोगों से सवाल पूछना है, विपक्ष के लोगों को सवाल नहीं पूछना, उनके लिए आप सत्ता में जो बैठे उनसे सवाल पूछिए ना, क्या काम किया, सृजन घोटाले पे क्यों चुप्पी साधी हुई है, भ्रष्टाचार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिहार में मॉब लिंचिंग होता है, सीतामढ़ी में हिंसा होता है, दंगा होता है, अब बोलते हैं कि कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो इस तरह के जो लोग हैं जो पूरी तरीके से लोगों को ठगने का काम किया है, इस बार बिहार की जनता उनको सही रास्ता दिखाने का काम। देखिए आप सब मंच पे जा रहे हैं, मांझी जी के साथ कर रहे हैं, मुकेश सहनी के साथ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो किसी मंच पे राजद के साथ अभी तक खड़ी नहीं दिखाई दे। अरे भाई, आप लोग यही सवाल 2015 में कहते थे कि नीतीश जी या लालू जी और कांग्रेस के लोग अलग अलग, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बांट रखी, किसको कहाँ काम करना, हम तो डेली जा रहे हैं कांग्रेस के प्रोग्राम में, वहाँ क्या कांग्रेस के नेता नहीं है, उम्मीदवार नहीं है क्या, वहाँ भी तो हैं उनके उम्मीदवार, तो सब लोगों ने अपना काम बांट रखा है। कुछ और चाहिए ज़्यादा दिए।